नमस्कार दोस्तों, टॉपर्स फ्रंट एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम शायद वो हैं जो 2012 से फिलॉसफी को ऑनलाइन क्लासेस के रूप में चला रहे हैं। अगर आप यूपीएससी, एनटीए नेट, बीपीएससी, सीजीपीएससी, यूपीपीसीएस आदि 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 एग्ज़ामों की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारे कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, आप एडमिशन ले सकते हैं। आज का आपका टॉपिक बड़ा ही शानदार टॉपिक, हीगल। हीगल की कभी शक्ल देखिएगा, बड़ी गुस्सैल। इन्हें कहा जाता है कि ये बहुत ही कठोर बुद्धिवादी हैं। बुद्धिवादी मतलब रैशनलिज्म फिलॉसफर। रैशनलिज्म फिलॉसफी के अगर किसी ने पराकाष्ठा को छुआ है, पराकाष्ठा को प्राप्त किया है, तो उस बंदे का नाम है हीगल। हीगल ने बताया कि बुद्धिवाद किसे कहते हैं, बुद्धिवाद की पराकाष्ठा क्या है, और उस पराकाष्ठा को सिद्ध करने के लिए अगर मैं देखूं तो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था बर्कले के बारे में, जो कि एक अनुभववादी थे, एम्पिरिसिस्ट फिलॉसफर थे। उन्होंने एक बात कही थी, एसिस्ट प्रिंसिपिए, ठीक है। एसिस्ट प्रिंसिपिए क्या कहती है कि जो देखा जाएगा उसी का एग्जिस्टेंस है, बात खत्म, और किसी का एग्जिस्टेंस नहीं होता है। सेम एज हीगल भी कहते हैं, मैं कहूँ कि हीगल ने जवाब दिया आपके बर्कले को कि साहब जो बुद्धि से सोचा जा सकता है उसी का एग्जिस्टेंस है, बाकी किसी का एग्जिस्टेंस नहीं है, और जिसका एग्जिस्टेंस है उसको कभी ना कभी बुद्धि से जरूर सोचा गया होगा। अब डिफरेंस क्या है, हीगल एक ऐसे रैशनलिस्ट फिलॉसफर हैं जिनके बारे में अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करें या साइकोलॉजिकल सोचने की कोशिश करें या इंडियन फिलॉसफी से सोचने की कोशिश करें या बुद्धिस्ट फिलॉसफी से सोचने की कोशिश करें या फिजिक्स से सोचने की कोशिश करें तो आप कहेंगे कि सही कह रहा है हीगल। पहले एग्जिस्टेंस नहीं आता, पहले उसका आइडिया आता है, पहले आइडिया आता है फिर एग्जिस्टेंस आता है। कभी किसी ने सोचा होगा कि इंसान हवा में उड़ेगा? कभी किसी ने सोचा होगा? और रिजल्ट आपके सामने है। कभी किसी ने सोचा होगा इतने बड़े बड़े मकान बनेंगे? रिजल्ट आपके सामने है। कभी किसी ने सोचा होगा इंटरनेट कभी तो फ्री होगा? आज रिजल्ट आपके सामने है। एब्सोल्यूट आइडियलिज्म एक ऐसी फिलॉसफी है जिसमें हीगल आपको यह कहते हैं, एब्सोल्यूट का मतलब क्या है सबसे पहले ये समझिएगा, निरपेक्ष जिसे हम कहते हैं। दो कंसेप्ट है आपका, एक है जो कि आपकी रिलेटिविटी को सिद्ध करता है, एक है जो एब्सोल्यूटिज्म को सिद्ध करता है। एब्सोल्यूट का मतलब है कि जो स्वयंभू है, जिसे अपने अस्तित्व के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं है, जो स्वयंभू है। मैं हूं, मैं बहुत हूं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं एब्सोल्यूट हूं, मुझे मेरे वजूद के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं है। हीगल कहते हैं कि जो आपके आइडलिज्म है या जो आपके प्रत्यय हैं या जो आपके विचार हैं वो एब्सोल्यूट हैं, उन्हें अपने एग्जिस्टेंस के लिए किसी पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है। दुनिया उन पर निर्भर होती है, वो किसी पर निर्भर नहीं होते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है कि एक पेड़ की जड़ों को फर्क नहीं पड़ता कि पत्ते हैं या नहीं है, लेकिन पत्तों को बहुत फर्क पड़ता है कि पेड़ की जड़ें हैं या नहीं। तो पेड़ की जो जड़ें हैं वो एब्सोल्यूट है, वो आइडियाज हैं जो एब्सोल्यूट आइडियाज हैं, उन्हें किसी के फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो इस फिजिकल वर्ल्ड में मुझे अलग अलग पदार्थ दिखाई देते हैं, अलग अलग तत्व दिखाई देते हैं, अलग अलग सत्ताएं दिखाई देती है, वो सारी की सारी उन प्रत्ययों के ऊपर निर्भर है, उन विचारों के ऊपर निर्भर है। तो एब्सोल्यूट आइडियलिज्म एक ऐसी फिलॉसफी, एक ऐसी अप्रोच, एक ऐसी दर्शन है आपके हीगल का, जो आपके आइडियाज को एब्सोल्यूट फॉर्म के अंदर सिद्ध करने की कोशिश करता है कि आइडियाज कभी किसी पर निर्भर नहीं करते, आइडियाज को अपने वजूद के लिए किसी के होने की आवश्यकता नहीं है, आइडियाज थे, हैं और रहेंगे, आइडियाज को किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन आपका जो फिजिकल वर्ल्ड है, आपकी जो दुनिया है, उसको प्रिपेयर होने के लिए, उसको तैयार होने के लिए, उसको विकसित होने के लिए जिसकी जरूरत है वो है आपके आइडियाज। बिना आइडियाज के आप कभी कुछ नहीं कर पाएंगे, बिना प्रत्ययों के आप कभी कुछ नहीं कर पाएंगे, इट मीन्स बिना रैशनलिज्म के आप कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। एक तरफ आपके लिबनिट्ज थे जो मॉनड की मदद से कहानी पूरी कर रहे थे कि मॉनड्स होते हैं, हम ऐसे ऐसे मान सकते हैं पूरी कहानी। हीगल कहते हैं सब फालतू की बातें हैं, क्लियर कट बात कीजिए, स्पष्ट बात कीजिए, डायरेक्ट बात कीजिए। क्या क्या आइडियाज होते हैं? आप प्रूफ करके दिखा दीजिए कि नहीं होते हैं। भगवान बुद्ध ने भी यही कहा था, जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आप बन जाएंगे, आपका भविष्य जो है आपके विचारों पर निर्भर है, जैसा विचार करेंगे आप वैसे बन जाएंगे। इट मीन्स वॉट, इंसान अपने आसपास का एटमोसफियर खुद क्रिएट करता है। कैसे? दिमाग से। सबसे पहले जो महान क्रिएशंस हैं, महान जो एवोल्यूशंस हैं, बड़ी बड़ी डिस्कवरीज जो हैं, वो ग्राउंड पर बाद में आती है, दिमाग में सबसे पहले आती है।
कभी किसी ने सोचा होगा कि साहब हम हवा से गाड़ियां चलाएंगे, और आज शायद लोग उस पर काम भी कर रहे हैं, तो पहले सोचा जाता है। तो हीगल ने कहा, आइडियाज को किसी की जरूरत नहीं है, ये एब्सोल्यूट है, ये एब्सोल्यूटिज्म के ऊपर काम करते हैं। हाँ, जो वस्तुएं हैं, जो भौतिक वस्तुएं हैं, वो इन पर डिपेंड करती है, क्योंकि बोध ही सत्ता है और सत्ता ही बोध है।